बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। लॉकडाउन में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी ने वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खेल जरूर खेले हैं। किसी ने गेंद बल्ला तो किसी ने कैरम बोर्ड, किसी ने बैडमिंटन तो किसी ने कोई और गेम खेला होगा, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा लूडो गेम खेला गया है। न सिर्फ घरों में बल्कि ऑनलाइन भी इस गेम के फॉलोअर्स करंटीना में बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं इस खेल को किसने बनाया और ये सबसे पहले कहाँ खेला जाता था? वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि लूडो गेम को किसने मुतारिफ करवाया। लूडो गेम को मुस्लिम बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने मुतारिफ करवाया था और उनके महल में ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता था। आज हम कागज के गत्ते पर खेल खेलते हैं, लेकिन बादशाह के महल में लकड़ी के बड़े बोर्ड पर यह खेल खेला जाता। ना सिर्फ उमरा बल्कि वुजरा और आम दरबारी भी इस खेल को बगैर किसी कबाहत के खेल सकते थे। इसके बाद जब अंग्रेज हुकूमत भारत में आई तो वो भी इस खेल से बहुत मुतासर हुई और 1896 में इंग्लैंड में इसको लूडो के नाम से मुतारिफ करवाया गया। उस वक्त से लेकर आज तक इस इंडोर गेम को दुनिया भर में बड़ी दिलचस्पी से खेला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।